रेल रोड पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कभी तो पानी की समस्या, तो कहीं बिजली की समस्या। सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है कि साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर जो है बिजली हम 24 घंटे देंगे। साइबर सिटी हमारे गुरुग्राम का एक ऐसा नाम है जो किसी का मोहताज नहीं है। साइबर सिटी जो गुरुग्राम है वो पूरे देश विदेश में भी जाना जाता है, मगर यहाँ के हालात ऐसे हैं कि अगर बिजली विभाग को भी अगर फ़ोन किया जाए, लोगों को फ़ोन किया जाए, तो बिजली जो है यहाँ पे कभी आती नहीं है और समस्या इतनी बनी हुई है कि आए दिन कोई ना कोई ब्लास्ट चलते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने जो है ट्रांसफार्म है, जिस ट्रांसफार्म के अंदर जो है कभी तो ब्लास्ट होते हैं, कभी तार टूटती है। जब हमने अधिकारी से बात करने की कोशिश करी, रमेश जो है जय है यहाँ के, जब हमने उनसे फ़ोन किया तो लगातार पिछले 3 घंटे से उनको फ़ोन कर रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि मैं यहाँ हूँ नहीं, मैं बाहर गया हुआ हूँ। तो किस तरीके की जिम्मेवारी जो है बिजली विभाग निभा रहा है अपने, तो यही हमारा सिर्फ कहना है कि जो आप देख सकते हैं कि हम आपको लाइव जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पिछले 3 घंटे से ना यहाँ पे लाइट नहीं है, लोग इतने परेशान हैं, ऊपर से गर्मी। आइए हम लोगों से ही बात करेंगे। जब हम सर्विस नंबर लाइन हेल्पलाइन नंबर पर बात करते हैं तो तभी यही सिर्फ यही कहना होता है उनका कि भैया आप नंबर पर फ़ोन कीजिए और उनको कंप्लेंट कीजिए। जब उस नंबर पर फ़ोन किया जाता है तो नंबर हमेशा स्विच ऑफ जाता है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से जो है लाइट की समस्या है। नाम बताएं जी अपना। विनय कुमार। लाइट को लेकर क्या समस्या है और किस तरीके से देखते हैं? लाइट तो बहुत ज़्यादा दुखी कर रखी है, लाइट तो है ही नहीं बिल्कुल, और फ़ोन करते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ होती है, हर जिसके पास करो वही मोबाइल स्विच ऑफ है। कहते हैं कंप्लेन करो, कंप्लेन क्या, अभी मोबाइल स्विच ऑफ है, बताइए हम क्या करें। बहुत परेशानी है यहाँ पे, लाइट की बहुत दिक्कत है। लाइट की जो समस्या है ये ओल्ड रोड पे मौजूद है, ठीक है, तो लाइट को किस ट्रांसफार्म में तो आप बताते हैं कि कई बार समस्या होती है, कभी ब्लास्ट होता है, कभी तारे टूटती हैं, आग भी लग जाती है, तो हाँ हाँ, तो क्या दिक्कतें महसूस होती हैं आपको? सर दिक्कत होती है, आग लग जाती है कई बार, आग लगने की संभावना होती है। फ़ोन करो, फ़ोन स्विच ऑफ है और लोग गोली पे गोली दिए जाते हैं कि हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, आते हैं नहीं, दो दो तीन तीन घंटे बाद लोग बीत जाते हैं, और फ़ोन करो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है, स्विच ऑफ होती है हमेशा मोबाइल। तो आपने आज भी फ़ोन किया? हाँ, 2-3 बार फ़ोन कर लिए, मोबाइल स्विच ऑफ है। हम ये चाहेंगे कि दर्शकों के बीच में आप नंबर मिलाएं और दिखाएं कि क्या वास्तविक में इस वक्त भी जो नंबर है बिजली महकमे का वो क्या नंबर स्विच ऑफ है। हाँ, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है, अभी भी अभी मिलाया था। हाँ जी, नंबर मिलाएं और स्पीकर ऑन करें एक बार इसका। ये तो नंबर ही गलत बता रहे हैं, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ दिखा रहा है नंबर। तो किस तरीके की आप देखो, सरकार दावे करती है जो गुरुग्राम के कि भाई लाइट की जो है या 24 घंटे जो है लाइट देंगे, इस वक्त के जो हालात हैं यहाँ के किस तरीके से देखते हैं आप, जैसे पानी की समस्या को लें या बिजली की समस्या को लें, क्या वास्तविक में ग्राउंड पर क्या हालात है यहाँ के? हर चीज़ की दिक्कत है सर, पानी भी भरा रहता है हमेशा, थोड़ी सी बारिश आ जाए तो पानी भर जाता है, कहीं निकलने का निकासी नहीं है। नगर निगम भी बस ऐसे ही है, और लाइट वाले तो खैर है ही हैं, लाइट वाले को मोबाइल स्विच ऑफ रहती है हमेशा, जब फ़ोन करो जब मोबाइल स्विच ऑफ, हर चीज़ की दिक्कत है। तो देख सकते हैं हमने लोगों से ही बात करी, आइए और कुछ जो है शॉप पे जो महिलाएं उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे क्या समस्या है। एक बार नाम बताइए। मेरा नाम संतोष है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी पूजा की शॉप है, और यहाँ पास में खंबा है, सामने ट्रांसफर है, यहाँ पे अधिकतर लाइट जाती रहती है और रात को उठ करके 11 बजे घर से आकर देखना पड़ता है। काफ़ी यहाँ पे परेशान है लाइट को लेकर, किस तरीके से देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में कई बार इसमें ट्रांसफार्मर में आग लगती है, रात को अपनी दुकान को उठ उठ करके देखना आना पड़ता है, और कई बार आग लगते लगते बच गई है, इससे हमें बहुत परेशानी है। आए दिन लाइट दिन में पूरा दिन जाती रहती है और बहुत ही ज़्यादा समस्या है। तो इसके लिए आपने कभी कंप्लेन करी बिजली विभाग को? कई बार बिजली विभाग को कंप्लेन करी लेकिन कोई सुनाई नहीं है। तो आप देख सकते हैं हम लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरीके से समस्या है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जस्ट ट्रांसफार्म के जो पास में ही जो एक जूस कॉर्नर है, और ये जो जूस कॉर्नर है ये अवैध तरीके से चल रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल ट्रांसफार्मर से लगता हुआ कि जैसे आप देख सकते हैं बड़ा हादसा, एक अपना सिकंदरपुर
जो है अपना पड़ता है गुरुग्राम के अंदर। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा याददाश्त में भूल गया था, सिकंदरपुर पड़ता है, वहाँ पर ट्रांसफार्म के चलते बड़ा हादसा हुआ था। ये जो जूस कॉर्नर है उसके चलते भी जो है देख सकते हैं आपको, हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि एक तरफ ट्रांसफार्मर में कई बार आग लग चुकी है और उसके बावजूद भी जो है कि ना तो प्रशासन देखता है ना प्रशासन कभी सुध लेता है। बिजली विभाग को भी हमने कई बार फ़ोन किया, उसके बावजूद भी ना तो जेई से हमने बात करी, जेई का जो नाम है फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं रमेश सैनी, और भी हम आप लोगों से बात करेंगे कि जानेंगे उनसे कि किस तरीके की और जो समस्याएं यहाँ पे बनी हुई हैं। जल भराव को लेके जो है यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया जा रहा कि यहाँ पे ना कोई वाटर होल्डिंग है कि किस तरह से जो पानी की जो निकासी हो सके। चारों तरफ जो है लोगों के बेसमेंट या दुकानों के अंदर जो है पानी भरता है, और आज से नहीं पिछले करीब 10 साल से ये जो समस्या है लगातार बनी हुई है, और जो है मार्केट के लोग कई बार इसके लिए कंप्लेंट कर चुके हैं प्रशासन को भी, मगर प्रशासन एक तरफ यही बात करता है कि जब मॉनसून आएगा तो हमने टेंडर दिया हुआ है साफ सफाई कर्मचारियों के लिए कि जो है सीवरेज जो है आपके सफाई किए जाएंगे जिससे जो है आपको कोई समस्या नहीं होगी, मगर ये जो है सब दावे जो हैं सारे निरस्त किए जाते हैं। और भी हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे समस्या बनी है। अभी लोग हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं और अभी बात करेंगे और भी लोगों से और जानेंगे किस तरीके से जो है यहाँ समस्याएं बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं लाइव, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ट्रांसफार्म जो है बिल्कुल ये देखिए सर, क्या नाम बताएं? राहिल है नाम। राहिल जी, किस तरीके से देखते हैं आपको, क्या समस्या है आपको? सर लेट नहीं आ रही है, कम से कम 4-5 घंटे हो गए, जय को भी फ़ोन कर रहे हैं तब भी लेट नहीं आ रही है, और फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन स्विच ऑफ कर ले रहे हैं। फ़ोन तो स्विच ऑफ किए हैं, लगातार जो है कंप्लेंट भी की जाती है, फ़ोन भी स्विच ऑफ होते हैं कि ट्रांसफार्मर को लेकर किस तरीके की समस्या है? आप आए दिन कहते हैं कि ब्लास्ट होते रहते हैं, और भी समस्याएं हैं? कभी ट्रांसफार्मर में आग लगती रहती है, कभी धुआं जलते ही रहता है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रही क्या होगा, पूरे दिन लेट नहीं, आज भी बहुत भागती गई, अब कहीं आ रही है कहीं नहीं आ रही है। नहीं, ट्रांसफार्मर के साथ में जूस कॉर्नर भी बैठा हुआ है, उसके साथ भी दे सकते हैं आप, उसको लेकर क्या कहेंगे आपकी? कई बार जो बिजली विभाग है कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उस पर क्या क्या विचार है आपके? गलत है, सही है? गलत है वो तो, देखो आग भी लग सकती है वहाँ पे, पता थोड़ी है, अब वैसी आग उसमें जलती रहती है। तो आइए और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से समस्या है। नाम बताइए। मेरा नाम ललित है। ललित जी, सर रेगुलर उसमें मौजूद है, लाइट की जो समस्या है बड़ी भारी है, लाइट का सरकार दावे तो करती है बड़े बड़े कि जी हम 2 घंटे लाइट देंगे, गुरुग्राम सिटी है, पर क्या हालात है आप बताइए? लाइट की तो बहुत ज़्यादा समस्या है, सुबह से लाइट गई हुई है, बहुत परेशान है, दुकानदारी भी नहीं हो पा रही है, और इसमें ट्रांसफार्मर में भी बहुत कभी आग लग जाती है, धुआं बहुत निकलता है, बहुत कोई शिकायत करते हैं तो कोई परेशानी का हल नहीं निकलता है हमारा, बहुत परेशानी है। तो किस तरीके से देखते हैं कि भाई जब बिजली विभाग को फ़ोन किया था तो अभी हमने हाल ही में हमारे सदस्य जुड़े थे, उन्होंने नंबर मिलाया था, उनका नंबर स्विच ऑफ था, उनका या तो नंबर उठाते ही नहीं है, जो नंबर हमारे पास है 3-4 या तो उठाएंगे ही नहीं, और उठाते हैं तो बात नहीं करते हैं या स्विच ऑफ होता है फ़ोन। तो देख सकते हैं कि इस वक्त हमने लोगों से भी बात करी है, तो यहाँ के हालात जो हैं ग्राउंड की अगर बात करें तो ग्राउंड पर जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं, चाहे वो पानी की मानसून के पानी की समस्या को लेकर लें या बिजली की समस्या को लेकर चलें, मगर ये देखते हैं कि सरकार किस तरीके से काम करती है और विभाग किस तरीके से काम करता है। गुरुग्राम से योगेश सैनी की रिपोर्ट, K9 मीडिया के लिए।